मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। देश की जनता ने देखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको रहने के लिए अच्छा मकान मिले और बिना ब्याज के 75,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है, जिससे जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी तक देश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस अंतरिम बजट में फोकस किया गया है।